मेकअप में सबसे पहले क्या लगाए? मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन, कलर करेक्टर, कंसीलर, फाउंडेशन या मेकअप फिक्सर? ये कन्फ्यूज़न बिगनर्स के है कि सबसे पहले मैम मेकअप में क्या लगाए। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है मेकअप स्टेप एक अच्छा मेकअप करने के लिए। ये बेसिक सा नॉलेज है जो कि पता होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आपका मेकअप डेफिनेटली है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। मेकअप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑक्सीडाइज हो सकता है मेकअप, ग्रे हो सकता है, काला भी हो सकता है। अगर आपको मेकअप स्टेप बिल्कुल भी पता नहीं है कि कब क्या लगाना है, तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना है और सबसे लास्ट में क्या लगाना है, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा, ऑक्सीडाइज बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका मेकअप फ्लॉलेस फ्रेश मेकअप होगा। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप स्टेप बताऊंगी कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना है, लास्ट में क्या लगाना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बताने के साथ साथ मैं आपको अपने फेस पे करके भी दिखाऊंगी ताकि जो भी डाउट से वो क्लियर होते जाए और आप एक अच्छा मेकअप अचीव कर पाए, फ्लॉलेस मेकअप, फ्रेश मेकअप, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी सिंह ट्यूटोरियल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ मेकअप में सबसे पहले क्या लगाए। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, और कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाएगी तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्किन का प्रेप होना। जितनी अच्छी स्किन आपकी प्रेप होगी, क्लीन होगी, उतना अच्छा आपका मेकअप होगा, लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा, फ्लॉलेस होगा, फ्रेश होगा। तो मैं यहाँ पे फेस को क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, प्रॉपरली क्लीन कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी प्रॉपर स्किन को क्लीन करना है मेकअप करने से पहले। उसके बाद टोनर अप्लाई करनी है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। टोनर का यूज़ करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको टोनर अप्लाई करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। उसके बाद मॉइस्चराइज़र, ये भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करना है। ड्राई है तो क्रीम बेस्ड और ऑयली है तो जेल बेस्ड। इस तरीके से मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी। इससे क्या होगा ना कि आपका मेकअप अच्छा होगा, फ्लॉलेस होगा, ग्लोई मेकअप होगा, केकीनेस की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगाना सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजर के बाद क्या लगाना है? सनस्क्रीन। हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद ही आपको सनस्क्रीन लगाना होता है, ये बात का ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये मेकअप को होल्ड करके रखता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है, और तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, स्किन पे मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल भी जाने नहीं देता, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद यूज़ करना आपको स्ट्रोब क्रीम। ये ऑप्शनल है अगर आपको थोड़ा बहुत शाइनी स्किन पे चाहिए, नाइट पे मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, तो स्ट्रोब क्रीम आप इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यूज़ करना है कलर करेक्शन। कलर करेक्ट करना है अपने स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है और स्किन टोन फेयर है तो पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ करना है। अगर स्किन टोन डार्क है तो आपको ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करना है स्किन प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए, कवर करने के लिए। और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करनी है, जहाँ प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया है बस वहीं पर अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। मैंने अच्छे से हाइड कर लिया। उसके बाद आपको यूज़ करना है फाउंडेशन। फाउंडेशन अपने स्किन के अकॉर्डिंग करें, स्किन के अकॉर्डिंग मीन समझ रहे हो, आपने स्किन टोन डार्क है तो डार्क टोन का और फेयर है तो फेयर टोन का आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी है और अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है प्रॉपरली।
कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए, मींस ईयर्स पे भी, नेक पे भी आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करनी है, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है प्रॉपरली। उसके बाद आपको हाइलाइटर यूज़ करना है एरिया को हाईलाइट करने के लिए। एरिया को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसीलर, स्किन टोन से फेयर होना चाहिए, ये बात का ज़रूर ध्यान दें। ये आपको लेना है और हाइलाइटेड एरिया पे अप्लाई करनी है, जैसे आपको अंडर आइज एरिया, नोज एरिया, फॉरहेड, चिन एरिया, यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है और अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, इससे लिफ्टेड लुक आता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और ब्लेंडिंग करनी है। प्रॉपरली ब्लेंडिंग करने के बाद इसको जब आप सेट करोगे ना, तो पाउडर से करना है और वो पाउडर होना चाहिए लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेना है और अच्छे से सेट करना है। पहले करेंगे हम अंडर आईज एरिया पे, और अगर आप ब्रश से सेट कर रहे हो ना तो डस्ट ऑफ कर ले। मैं यहाँ पे पफ का यूज़ कर रही हूँ, उसमें क्या होता है ना, जितना रिक्वायरमेंट रहता है प्रोडक्ट उतना ही इसमें आता है, इससे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही फ्लॉलेस बेस बनता है। आपको पाउडर बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है, ये मेकअप को सेट करता है, फिक्स कर देता है बेस को, और क्रीज लाइन जो बनती है ना उसे नहीं बनने देता। और पाउडर का यूज़ बहुत ही कम करना है आपको, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। उसके बाद आईब्रो को फिल करना है। आईब्रो को फिल करने के लिए ब्राउन शेड का ही यूज़ करी, इससे नेचुरल इफेक्ट आता है, नेचुरल आईब्रो लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से स्पूली से कॉम कर लेनी है प्रॉपरली। उसके बाद ब्लश यूज़ करना है। ब्लश आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको चाहिए चबी लुक तो आप आगे से पीछे की ओर लेके जा सकते हैं, अगर लिफ्टेड लुक चाहिए तो सिर्फ पीछे की ओर थोड़ा सा आपको लगाना है आईब्रो के नीचे से, और चबी लुक चाहिए तो थोड़ा सा चिक के फ्रंट से लेके आपको इस तरह से बैक जाना है, इससे चबी लुक्स आपको मिलेगा। मुझे चबी लुक चाहिए था इसलिए मैंने आगे से पीछे की ओर लेके गया। उसके बाद आपको लगाना है हाइलाइटर। आप देख सकते हो इस तरह से आप लगा सकते हो, ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो, फिंगर की हेल्प से लगा सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसमें आई मेकअप भी बता रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आपने आई मेकअप नहीं बताया, तो मैं इसमें आई मेकअप भी बता रही, जो कि बहुत ही सिंपल है। पहले आपको न्यूड शेड लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, ब्राउन, रेड, पिंक आपको लेना है, और अच्छे से पूरे आई लीड पे आपको एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है प्रॉपरली। एक अच्छा सा न्यूड सा शेड आ जाएगा आईज़ पे, आप देखना बहुत ही प्यारा। उसके बाद आपको क्या करना है, आईज़ के आउटर कॉर्नर पे आपको डार्क शेड लेना है। आप ब्राउन ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि आईज़ के आउटर कॉर्नर पे हमेशा डार्क शेड जाता है और आईज़ के इनर कॉर्नर पे हमेशा लाइट शेड जाता है, ये बात का ज़रूर ध्यान दें। और प्रॉपरली आपको ब्लेंड करनी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस प्रोडक्ट लिया और आई लीड पे रख दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। प्रॉपरली आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा मेकअप आपका विजिबल होगा, उतना अच्छा डिफाइन होगा, उतना अच्छा लुक क्रिएट होगा। तो आपको ब्लेंडिंग प्रॉपरली करनी है। इस तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद एक फ्लफी ब्रश लेनी है और इसे अच्छी तरीके से मैच भी कर देना है लास्ट में। अभी क्या करना है आपको, इनर कॉर्नर पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का सीमर आई शैडो। गोल्डन कलर का क्या होता है, बहुत ही नेचुरल लुक लगता है, एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन किया है। आप और भी कोई कलर का यूज़ कर सकती हो अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक फ्लफी ब्रश लेना जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अच्छे से आपको मैच कर देना, इस तरह से मिला देना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रोडक्ट इधर उधर फैला हुआ है, आपको इक्वल इवन लगना चाहिए। उसके बाद लाइनर आपको लगाना है अपनी अकॉर्डिंग, अगर विंग चाहिए तो विंग लगा सकते हो, बेसिक से चाहिए बेसिक लगा सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लगा सकते हो। उसके बाद मैंने लगाया काजल। काजल आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काजल भी लगाई, मस्करा भी लगाई। मस्करा कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये आई लैसेस को थोड़ा नेचुरल दिखाता है, फुलर दिखाता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ आई बोन को और आई के इनर कॉर्नर को, इससे क्या ब्राइटन लुक आता है आई मेकअप का, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मेकअप फिक्सर, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें।
लगाने के बाद एक मिनट तक फेस पे रहने दे, उसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक अपने अकॉर्डिंग लगाए, न्यूड चाहिए डार्क चाहिए आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक क्रिएट हुआ है आप देख सकते हो। ये स्टेप को आप फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली 100% गारंटी मैं देती हूँ कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फ्लॉलेस फ्रेश मेकअप होगा। आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आप खुद कमेंट करोगे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कन्फ्यूजन थे मेकअप से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सारे कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनके भी मेकअप से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। मेकअप आजकल मेकअप सभी करना चाहती हैं, तो ये मेकअप से रिलेटेड वीडियो है, आप शेयर कर सकती हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, मेंबर्स के साथ, ताकि उनके भी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके और आपको मिले बिग थैंक्स, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।